सुनो लड़की, सबसे सुना है कि तुम बदकिरदार हो। सुना है कि जब कोई तुम्हें ताड़ रहा होता है तो तुम वापस से उसे ताड़ती हो। तुम बाकी अच्छी लड़कियों की तरह उसे ब्लॉक नहीं करती। तुम उस लड़के पे छुपकर नजर नहीं रखती। तुम सीधे नजर पड़ने पर नैन मटक्का करती हो। तुम सीधे नजरें मिलाती हो ताकि वो तुमसे दोबारा नजरें न मिलाए। और तो और, तुम उसके कमेंट करने पे डर कर नहीं भागती। तुम सहारा नहीं लेती भाई का, पिता का या पति का। तुम खुद लड़ जाती हो। चार सुनती हो तो चार सुना कराती हो। तुम ऐसे कमेंट पे कभी कभी हाथापाई भी कराती हो। बताओ कितनी बेशरम हो। भला क्यों ना कहे बदकिरदार लोग। भला अच्छी लड़कियां जवाब देती हैं क्या? अच्छी लड़कियां तो उसे नजरअंदाज कर देती हैं। देखो, कल खुदा ना खास्ता अगर किसी अच्छी लड़की का रेप हो जाता है तो लोग उसे ये तो नहीं कहेंगे ना कि अरे इसने पलट कर जवाब दिया था लड़का आ गया गुस्से में। मगर तुम हर रोज न जाने ऐसे कितने सरफिरों का मुंह तोड़ जवाब देकर आती हो। अल्लाह ना करे मगर अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो लोग तो तुम्हारे पास झूठी हमदर्दी को भी नहीं आएंगे। अच्छा ये बताओ, ये तुम बेशरम लड़कियों का क्या तमाशा है? मुंह खोलकर सवाल कर देती हो। तुम क्यों का इस्तेमाल करती हो? देखो अच्छी लड़कियां जी बोला करती हैं। अच्छी लड़कियां जी बोला करती हैं। और जाहिर है तुम अपने दूसरे बॉयफ्रेंड की पांचवी गर्लफ्रेंड हो। ये तो कहो लड़का शरीफ है, वरना तुम जैसों से भला कोई टाइम पास के अलावा कोई और रिश्ता रखता है क्या? एक तो तुम खूबसूरत बला की, ऊपर से बिना पर्दा, और लिपस्टिक वो भी लाल रंग के लगाकर लोगों के सामने मडराती हो। क्या जरूरत है बताओ, क्या जरूरत है तुम्हें बन ठन कर निकलने की? ये अच्छी लड़कियों को देखो, कमरे को सिटकी नहीं लगाकर लाल रंग की लिपस्टिक लगाती हैं। अगर गलती से दरवाजे पे आ जाए कोई तो होठों को यूं रगड़ रगड़ कर खून निकाल देती है। लिपस्टिक का रंग उस खून से शायद कम ही होता है ताकि वो तुम्हारी जैसी बदकिरदार ना कहलाए। ऐसी होती हैं शरीफ लड़कियां, उनकी ख्वाहिशें उनकी हसरतें बस एक कमरे तक महफूज होती है और फिर आगे चूल्हे तक। तुम आजादी की आग में जलती हो और वो बंदिश में, फर्क बस इतना होता है। एक बात मन में खटकती है, मगर ये अच्छी लड़कियों के साथ अच्छा क्यों नहीं होता? क्यों उन्हें कोई बोल जाए कुछ या कुछ अश्लीलता कर जाए तो उन्हें खामोश क्यों रहना पड़ता है? क्यों वो उस बदकिरदार लड़की की तरह अपने पे हुए जुल्म पे आवाज क्यों नहीं उठा पाती? क्यों उस अच्छी लड़की, सच्ची लड़की के मन में चाहे भूचाल क्यों ना आया, चाहे वो चीजें उसे मार डाले, उसका कत्ल कर दे और लोग आ भी नहीं सुनते? ये वही लोग होते हैं जो उसे अच्छा कहा करते हैं। ये वही लोग होते हैं जो उसे अच्छे का टैग दिया करते थे। उस आह से उन अच्छे लोगों की इज्जत चली जाती है। वो अच्छी लड़की हर कदम पर बुरी लड़की का दाग ना लगने के डर से कदम बढ़ाना छोड़ देती है। वो अच्छी लड़की अच्छी होती है लोगों के अल्फाजों में, तस्वीरों में, मगर कभी उसके अंदर झांक कर देखना, उसके अंदर उसके साथ अच्छा कुछ भी नहीं होता। उसके अंदर समाज का डर जी रहा होता है। उसके अंदर लोगों की एक काट खाने वाली जुबानें होती हैं। दिल दहल सा जाता है देखकर ये सब। एक बार को मन कहता है कि यार बदकिरदार, बेशरम, बिगड़ी हुई लड़की बनना ही ज्यादा अच्छा है। मगर ये बात हलक तक भी नहीं पहुंच पाती कि एक चीख जोर से कहती है, लोग क्या कहेंगे, बदकिरदार हो क्या? शायद हम बहुत आगे निकल चुके हैं, शायद आपके आसपास ऐसी चीजों से लड़की को जज ना किया जाता हो, मगर सच्चाई है कि आज भी एक ऐसी आबादी, एक ज्यादा ऐसी आबादी ऐसी बातों को आधार मानती है।